हेलो बच्चों वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सेशन ऑफ बायोलॉजी फाइटो 1.0 स्ट्रीमिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एम बच्चों हम लोगों ने इस रैपिड रिवीजन सीरीज में कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी एंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इसका अच्छा खासा वेटेज भी है इसमें से कम से कम आप लोगों को दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन जो है वो अपने पेपर में मिल जाएंगे सो बी फोकस्ड और बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़िए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिय ऑक्सीजन एंड अदर इसल सब्सटैंसे हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिय चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंसेज की जरूरत है और उनकी बॉडी में जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हमें कंटिन्यूसली रिमूव भी करना होता है जिससे कि टिश्यूज और सेल्स जो है वो नॉर्मल हेल्थी फंक्शन कर सके सो इट इज इसल टू हैव द मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड फ्रॉम इन सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाने के लिए और सेल्स से बाहर रिमूव करने के लिए एक एफिशियंट मैकेनिज्म की जरूरत है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल transport. जैसे हमने पढ़ा कि रेस्पायरेटरी सिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म को रेस्पायरेशन करने के लिए एक अलग ऑर्गेन की जरूरत होती है वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में हर एक ऑर्गेनिजम्स को सर्कुलेशन के लिए एक अलग टाइप के सिस्टम की जरूरत होती है सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट सर्क्यूलेट वॉटर From their their surroundings through their body cavities and to to facilitate these cells to exchange these substances. अब इतनी बड़ी लाइन का हमें यहाँ पर कॉन्क्लूजन क्या निकालना है जो सिंपल सब्सट सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्पॉन्जेस तो स्पॉन्जेस जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में और सीलेंट्रेट जैसे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन में सर्कुलेशन होता है बाय देर जनरल बॉडी सरफेस सीलेंट रेट में भी सर्कुलेशन होता है बाय देर जनरल बॉडी सरफेस ठीक है टीनोफोरा जो है उसमें भी सर्कुलेशन होता है बाय देर जनरल बॉडी सरफेस तो सर्कुलेशन के लिए उन्हें किसी भी टाइप के कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन की जरूरत नहीं होती बॉडी सरफेस है वॉटर अंदर आएगा ऑक्सीजन लेकर आएगा न्यूट्रिय लेकर आएगा और वॉटर जो है जब बाहर जाएगा तो वेस्ट मटेरियल जो है उसको बाहर ले जाएगा ठीक है नाउ मोर कॉम्प्लेक्स यूज स्पेशल फ्लूड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में उनकी बॉडी में इन मटेरियल्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उन्हें किसी स्पेशल टाइप के फ्लूड की जरूरत होती है और उस स्पेशल टाइप के फ्लूड का नाम है ब्लड दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूड बाई मोस्ट ऑफ दायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज तो ब्लड जो है वो मोस्ट कॉमन फ्लूड है जो मोस्ट ऑफ दिज्म के द्वारा यूज किया जाता है और उन मोस्ट ऑफ दर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं दूसरा जो ब्लॉडी फ्लूड है वो है लिम्फ और लिम्फ जो है ये भी हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन सबस्टेंसेस यानी कि हमारी बॉडी में है दो फ्लूड एक है ब्लड और दूसरा वाला है लिम्फ और दोनों ही कुछ सबस्टांसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इन लर्न अबाउट में के बारे में पढ़ेंगे और टिश्यू फ्लूड एंड दर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हियर इन और इस चैप्टर में ब्लड के मैकेनिज्म की जो प्रोसेस है उसे भी एक्सप्लेन किया गया है आते हैं अब अपन ब्लड पर ठीक ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो के different, different को करने में हेल्प करता है तो याद रखेंगे जहां पर में, है, जहां पर में, उसी मैट्रिक्स को कहा गया है प्लाज्मा और साथ साथ में फॉर्मड डेलीमेंट्स है फॉर्मड डेलीमेंट आर कॉल्ड एज सेल्स वाई ब्लड इज कॉल्ड एज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि इस ब्लड के अंदर जो फाइबर्स होते हैं फाइबर्स आर एबसेंट ठीक है इसे स्पेशल क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें फाइबर्स है हर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं पर ब्लड एक ऐसा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल है जिसमें प्लाज्मा है यानी कि मैट्रिक्स है पर इसमें फाइबर्स एबसेंट है देरफोर इट इज कॉल्ड एज दी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये पढ़ा हुआ है हमने बच्चों है ना अब सबसे पहले अपन आते हैं इसमें प्लाज्मा पर देखिए ब्लड के अगर कॉम्पोजिशन को देखा जाए तो ब्लड में हम यहां पर देखते हैं ब्लड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स एक होता है इसमें प्लाज्मा और दूसरी चीज होती है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो प्लाज्मा जो है इसका परसेंटेज कितना होता है 55 परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स का परसेंटेज होता है 45 परसेंट प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर चारे के जैसा कलर होता है इसका विस्कस यानी कि गाढ़ा फ्लूड होता है जो ब्लड का 55 परसेंट बनाता है इस 55 परसेंट का मैक्सिमम पार्ट है वाटर क्या है इसका मैक्सिमम पार्ट वाटर 90 टू 92 टू परसेंट इसमें वाटर प्रेजेंट होता है कुछ प्रोटीन्स होते हैं 6 टू 8 परसेंट क्या होते हैं इसमें प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स है फाइब्रिनोजन है ग्लोबुल है और एलब्युल है दीज आर मेजर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन दी ब्लड प्लाज्मा कौन से प्रोटीन्स है बच्चों रिपीट कीजिए एक बार फाइब्रीनोजेन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुल अब इन प्रोटीन के फंक्शन देख लेते हैं अपन ठीक है फाइब्रिनोजेन देखो एक एक वर्ड याद करो फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है और और क्लॉटिंग ब्लड अब हमको इंजरी हो गई है इंजरी होने के बाद में ब्लड बाहर निकल रहा है ब्लड को जमना है ठीक है रोकना है अब अपने को बाहर निकालने से कौन हेल्प करेगा फाइब्रिनोजेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लोब्युल्स

ये कुछ मिनरल्स हैं इन प्लाज्मा मिनरल्स के अलावा प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड दीज आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा और ये हमारी बॉडी में हमेशा ट्रांजिट होते रहते हैं हमेशा ट्रांजिट होते रहते हैं मतलब सेल से प्लाज्मा में आ जाएंगे प्लाज्मा से सेल में चले जाएंगे क्लियर फैक्टर्स फॉर क्वेगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ब्लडो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म अब कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट है प्लाज्मा में जो ब्लड के क्वैगुलेशन में हेल्प करते हैं जैसे एक एग्जाम्पल हमने देख लिया फाइब्रिनोजन तो ये जो ब्लड को क्वेगुलेट करने वाले फैक्टर्स होते हैं ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं दे नीड टू बी एक्टिवेटेड एंड अनलेस दे आर नॉट एक्टिवेटेड दे विल नॉट परफॉर्म द द्वैगुलशन ऑफ ब्लड तो प्लाज्मा विदाउट दी क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड ए सीरम ठीक है फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर सिरम इज इक्वल्स टू अपन बोल देंगे इज़ इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो तो ये बन जाएगा हमारा सिरम क्लियर है इतना आ गया हमको चलिए अब आते हैं अपन किस पर फॉर्म एलिमेंट्स पर आ जाते हैं इरिथ्रोसाइड ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों आरबीसी ल्यूकोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्मड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड और ये ब्लड का 45% बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वाले जो सेल्स हम देख रहे हैं वो सबसे पहले वाले सेल्स कौन से हैं बच्चों आरबीसी अब देखते हैं अपन सबसे पहले आरबीसी क्या कहती है ये एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड से है एरि अडल्ट मैन हैज एन एवरेज फाइव टू फाइव पॉइंट ये क्या है एरिट काउंट का है आरबीसी कितने प्रेजेंट है पर क्यूबिक मिलीमीटर में फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ आरबीसी जो है प्रेजेंट है मेल्स में आरबीसी ज्यादा होंगे फीमेल्स में आरबीसी कम होंगे मेल्स में आरबीसी काउंट होगा 5 टू 5.5 पॉइंट मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर फीमेल्स में आरबीसी काउंट होगा बच्चों मिलीमीटर आरबीसी आर फॉर्मड इन रेड बोन मैरोज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आरबीसी कहा बनती है बोन मैरो में बोन मैरो में किस पार्ट में बनती है रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा Shape है, और इस बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस इज ओनली एबसेंट इन दी आरबीसी मैमल्स के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ठीक अब आरबीसी का नाम आरबीसी क्यों पड़ा क्योंकि लाल कलर की है लाल कलर की क्यों है क्योंकि उनके अंदर रेड कलर का प्रोटीन प्रेजेंट है पिगमेंट प्रेजेंट है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन सो आरबीसी लाल कलर के हैं क्योंकि उनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है इनकी बॉडी में आयरन इनकी बॉडी में एफ पॉजिटिव यानी कि फेरस स्टेज में यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है और फेरस स्टेज में आयरन प्रेजेंट होने पर इसने बनाया एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन क्लियर कलर एंड नेम ऑफ सेल्स और हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है इसकी वजह से इन सेल्स का नाम क्या पड़ा आर क्लियर अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन

ऑक्सीजन और सीओ टू के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों हमने पढ़ा था 97% परसेंट और सीओ टू का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों हमने देखा था 20 -25 है? तो ये जो पिगमेंट है दिस आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस RBC का जीवन काल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद में आरबीसी जो है वो जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में विच इज कॉल्ड एस ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्लियर है इतना बच्चों तो आरबीसी वाला पूरा पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइन से यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब नेक्स्ट आते हैं अपन किस पर डब्ल्यू बी सी ऑल्सो कॉल्ड एस ल्यूकोसाइट्स ठीक है तो डब्ल्यू बी सी ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नॉन एज व्हाइट ब्लड सेल्स क्योंकि इनका रंग लाल होता है सॉरी uh, क्योंकि इनका रंग सफेद होता है ठीक है आरबीसी का कलर रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनमें हीमोग्लोबिन एबसेंट है तो इसलिए इनका कलर कैसा हो गया बच्चों व्हाइट हो गया ठीक है ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर न्यूक्लिएटेड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था पर इसमें न्यूक्लियस है

मोनोसाइट जो है दीज आर दी पार्ट ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट क्लियर न्यूट्रोफिल आर दी मोस्ट अबंडेंट. देखिए बच्चों एक ट्रिक से इसे अपने को याद करना है कि मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट में कौन है नेवर लेट मंकी ईट बनाना ठीक है इस ट्रिक को याद कर लो नेवर लेट मंकी ईट बनाना एन से आ जाएगा न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा एल से आ जाएगा लिम्फोसाइट फिर एम से आ जाएगा मोनोसाइट फिर ई e से आ जाएगा इोसिनोफिल और बी से आ जाएगा यहां पर बेसोफिल तो मोस्ट अबंडेंट कौन सी हो जाएगी न्यूट्रोफिल और लीस्ट अबंडेंट कौन सी हो जाएगी यहां पर बेसोफिल क्लियर है तो न्यूट्रोफिल आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल यानी कि 60 टू 65 परसेंट ऑफ दब्ल्यू टोटल डब्ल्यू बीसीज में सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल लीस्ट कौन सी हो जाएंगी बेसोफिल पॉइंट फाइव टू वन परसेंट क्लियर फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट monocyte. मोनोसाइट्स का नंबर कितना दिया हुआ है टू न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को क्यों साथ में लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों का फंक्शन सेम है फैगोसाइट्रोसिस करना यानी कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो अपनी बॉडी में एंटर हो जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देना ठीक है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का फंक्शन सेम होगा फैगोसाइट्रोसिस बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपरिन एंड इट इज इनवॉल्वड इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन इंफ्लेमेशन यानी कि सूजन आना तो इंफ्लेमेशन के समय पर कौन सी डब्ल्यूबीसी काम करती है बेसोफिल विच इज लीस्ट अबंडेंट तो बेसोफिल जो है वो तीन सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती है वो तीन सब्सटेंसेस है हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपरिन हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर जो ब्लड वेसल्स को फैलाता है रोन इज ए वेसोक एंड एंटी को होने से बचाता है क्लियर है और ये तीनों सेल्स जो है, वो, sorry, ये, तीनों जो है ये हमें हेल्प करते हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में इोसिनोफिल टू टू थ्री परसेंट होती है रेजिस्ट इन्फेक्शन इोसेनोफिल जो है वो जनरली एलर्जिक इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने में हेल्प करती है हमें ठीक है तो इनोफिल्स आर एसोसिएटेड विद दी एलर्जिक दिएिम्फोसाइड्स ट्वेंटी तो टू ट्वेंटी जनरली दो टाइप के लिम्फोसाइड होते हैं जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड में पढ़ते हैं बी लिंफोसाइड्स एंड टी लिम्फोसाइड्स और बी और टी लिम्फोसाइड जो है इन दोनों का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में बट मैचुरेशन होता है इन दोनों का अलग अलग जगह पर एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी बी लम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी आती है दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी इम्फोसाइट जिस इम्यूनिटी को बनाता है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्लियर है बच्चों इतना याद करेंगे हम अब तीसरे टाइप के सेल्स देख रहे हैं हम इसमें थर्ड टाइप के सेल्स है इसमें प्लेटलेट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एस फ्रॉम्बोसाइड कैसे बने हैं ये ये बने हुए हैं किन्ही बड़े बड़े सेल्स के टुकड़ों के बनने की वजह से मेगा कैरियो स्पेशल मैरो प्लेटलेट भी कहा बने बोन मैरो में आरबीसी भी कहां बनी है बोन मैरो में डब्ल्यू बी सी भी कहां बनी है बोन मैरो में तो बोन मैरो में स्पेशल टाइप के बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्डेज मेगा कैरियोसाइड इनमें जब फ्रेगमेंटेशन होता है फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में इनके बन जाते टुकड़े जो टुकड़े होते हैं टुकड़े आर कॉल्ड एज और ये जो टुकड़े होते हैं ना यही टुकड़े क्या होते हैं टुकड़े आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स क्लियर है कितने प्रेजेंट होते है हैं प्लेटलेट्स डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख वन पॉइंट फाइव लैक्स से थ्री पॉइंट फाइव लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स

चलिए अब आ जाते हैं हम यहां पर ब्लड ग्रुप्स पर ठीक है एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर अलग अलग ह्यूमन बींग्स का ब्लड अलग अलग होता है जबकि सबका ब्लड का कलर एक ही है लाल रंग पर ग्रुप अलग अलग है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज डन टू सच ग्रुपिंग्स आर एबीओ एंड आर एच आर वाइडली यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो दो टाइप के सिस्टम्स जो है वो ब्लड ग्रुप के हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है एबीओ एंड आर एच सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग चलिए एबीओ ग्रुपिंग एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन और केमिकल्स दैट कैन इंड्यूज इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा यहां पर यस एबीओ ग्रुपिंग 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 कैसे बताते हैं इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस एंटीजेंस क्या होते हैं केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवा सकते हैं उन केमिकल्स को कहा जाता है आर कॉल्ड एज दी एंटीजेंस तो अगर किसी की आरबीसी के सरफेस पर अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए और उसमें एंटीबॉडी हो जाएगी एंटी बी अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी और एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी उसमें एंटी ए ऑपोजिट एंटीबॉडी जो है वो उसमें प्रेजेंट होगी ठीक सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडी अलग अलग इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा में अलग अलग एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है एंटीबॉडीज क्या होती है ऐसे प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स विद द एंटीजन एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस जो एंटीबॉ प्रोटीन्स uh, होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन फोर ग्रुप ऑफ द ब्लड तो एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने चार ग्रुप्स में किया हुआ है चार प्रकार के ब्लड हैं ए बी ए बी एंड ओ तो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से अपन ने दो देख लिए हैं ए और बी अब ए बी भी बता देती हूँ आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर देर इज जीरो एंटीजन कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी बट ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगे क्लियर है बच्चों इतना ठीक है चलिए अब देखते हैं अपन ये टेबल ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। ठीक है ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी बी होगी और उसके डोनर ग्रुप कौन कौन से होंगे डोनर ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या है किस किस से वो ब्लड को ले सकता है यानी कि उसको डोनेट करने वाले ग्रुप कौन से हैं तो एक तो ए डोनेट कर सकता है ए वाले को और ओ डोनेट कर सकता है ठीक है ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी हो जाएगा एंटीबॉडी ए हो जाएगी डोनर ग्रुप बी एंड ओ ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा तो एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हो गए एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं प्रेजेंट होगी और इसके डोनर ग्रुप होंगे A, B, A, B से भी ब्लड ले सकता है ए से ले सकता है बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है तो इसके बेसिस पर हमने बोला कि A, वाला जो पर्सन है ये यूनिवर्सल रेसिपियंट है ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है एंटीबॉडी दोनों है और यहाँ पर डोनर ग्रुप है इसका सिर्फ ओ यानी कि ओ जो है दिस इज यूनिवर्सल डोनर कैसा है ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है क्लियर फ्रॉम द टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर और ए बी वाले को क्या कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे क्लियर है इतना बच्चों बढ़ते हैं आगे rh ग्रुपिंग किस पर आ गया अपन rh ग्रुपिंग देखिए तो अब तक अपन ने क्या देखा है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर हमारे पास में आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया ब्लड ग्रुप ए है बट अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा यहां ए पॉजिटिव यदि आरबीसी के सरफेस के ऊपर सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है बी आरएच एंटीजन इज एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव तो ये सारा खेल एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस का है आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव आरएच एंटीजन अगर एब्सेंट होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चों नेगेटिव ठीक इस बेसिस पर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरा एक एंटीजन है कॉल्ड एज आरएच एंटीजन जो सिमिलर है एंटीजन है तो रिस में भी प्रेजेंट है इस से इस का हमने नाम रख दिया है आर एच एंटीजन ठीक इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन दर्फेस ऑफ आरबीसी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स में आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है

ट्रांसफ्यूजन करने के पहले हमें आर एच ग्रुप की मैचिंग भी करनी पड़ेगी अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मुझे बी पॉजिटिव वाला ब्लड ही मिलेगा अगर मुझे बी नेगेटिव मिल गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और मुझे अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे, दे दिया गया है तो वहां आ जाएगी आर एच तो आर एच फैक्टर को हमें मैच करना जरूरी होता है स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकमपैटिबिलिटी मिसमैचिंग इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस है, जहां पर कैसी है? हाँ. तो हमने बोला ऑब्जर्व बिटवीन दी आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेगनेंट मदर विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस और उस प्रेगनेंट लेडी में फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है आर एच पॉजिटिव आर एस एंटीजन ऑफ फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन दी फर्स्ट प्रेगनेंसी एज टू आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा जानते हैं तो बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड जो है वो नाइन मंथ्स तक एक्सपोज नहीं होगा नाइन मंथ्स के बाद में जब डिलीवरी होगी जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा तब फीटल ब्लड जो है वो मदर की बॉडी में जा सकता है ठीक हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मेटर ब्लड टू समाउंट ऑफ द्लड तो यहाँ पर डिलीवरी के बाद में जब जिस समय पर डिलीवरी हो रही है जिस समय पर अम्बलिकल कॉट को कट किया जाएगा तो फीटल ब्लड जो है वो मदर की बॉडी में जा सकता है मतलब मेटरनल ब्लड इज एक्सपोज विद दी फीटल ब्लड ठीक ऐसे केसेस में द मदर स्टार्ट प्रिपेरिंग दीबॉडी क्योंकि मदर का तो ब्लड कैसा है नेगेटिव तो उनके पास में कोई एंटीबॉडी तो है ही नहीं वैसे भी आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में किसी के पास में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है तो तो मदर के पास में एंटीबॉडी तो है ही नहीं अब एंटीबॉडी अगर नहीं है तो क्या होगा मदर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन तो मदर ने आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी को बनाकर रख लिया उसके ब्लड में ठीक अब यहां पर अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है यानी कि अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर इज आर एच नेगेटिव है ना और जो फीटस है वो कैसा होगा पॉजिटिव क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है आर एच पॉजिटिव तो फीटस का ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा आर एच पॉजिटिव कुछ चेंज नहीं होगा सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में एवरीथिंग विल रिमेन दी सेम अब क्या होगा देखते हैं तो आर एच एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो लीक करके फीटस की बॉडी में जा सकती है फीटस तक पहुंच सकती है तो एंटीबॉडी क्या करेगी आर एच एंटीजन को किल करने लग जाएगी। करने लग लग जाएगी जाएगी डिस्ट्रॉय वो फीटल को और जब फीटल होंगी, तो वो फैटल हो सकता है यानी कि जानलेवा हो सकता है फीटस विल सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटलिस इरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट होना किसकी आरबीसी ब्लास्ट होना फीटस की आरबीसी की ब्लास्टिंग होना क्योंकि एंटीबॉडी अगर आ गई तो वो एंटीजन को डेफिनेटली किल कर देंगे ठीक है दिस कैन बी administering anti एडमिनिस्टरिंग antibody एंटीबॉडी टू mother मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ first चाइल्ड तो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद में अगर इमीडिएटली मदर की बॉडी में anti-RH एंटी एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इस समस्या से बचा जा सकता है क्लियर है ठीक तो साइंस कहता है कि शादी करने के पहले कुंडलियां नहीं मिलाओ क्या मिलाओ ब्लड ग्रुप मिलाओ जिससे इस प्रकार की डिसीजेस जो है वो होने से रुक जाएंगे ठीक चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेगुलेशन ऑफ ब्लड ठीक है क्वेगुलेशन ऑफ ब्लड यू माइट नो दैट वेन यू हैव कट इन योर फिंगर और हर्ट यूर सेल्फ योर वोन कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्गर टाइम हम जानते हैं कि जब हमें इंजरी हो जाती है तब बहुत समय तक हमें ब्लड नहीं आता है थोड़े समय के बाद में रुक जाता है क्यों होता, होता है ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में कोएगुलेट करने की या फिर आ, क्लॉट होने की प्रॉपर्टी होती है ठीक तो ह्यूमन बींग्स का ब्लड जो है वो अपने आप क्लॉट हो सकता है या क्वेगुलेट हो सकता है इस मैकेनिज्म को बोला जाता है ब्लड क्वेगुलेशन दिस इज अ मैकेनिज्म अकेनिज्म लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दी बॉडी और इस मैकेनिज्म से हम हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस को होने से रोक सकते हैं ठीक यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन इज कम बिफॉर्म एट दी साइट ऑफ द कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब कभी अगर हम वो इंजरी हो जाती है तो ब्लड शेड हो गया ब्लड निकलने के बाद में वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम्ब है, है तो दैट इज कॉल्ड एज दिस तो वो स्कम्भ जो है वो थोड़े समय के बाद में बन जाता है उसी को कहा जाता है क्लॉट या फिर कोएगुलेशन जो मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बना हुआ है जिन्हें कहा जाता है फाइब्रेस जहां पर डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि डेड और डैमेज आरबीसी डब्ल्यू जो है वो प्रेजेंट है क्योंकि वो उन थ्रेड में ट्रैप हो गई है क्लियर है तो जब भी हमको इंजरी होती है तब ब्लड आता है थोड़े समय के बाद में रुक जाता है क्यों रुक गया क्योंकि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है क्लॉट होने के बाद में ड्राई ब्राउन स्कम्ब बन जाता है क्लॉटिंग की जगह पर उस ड्राई स्कम्ब को हम बोलते हैं दैट इज दी क्लॉट

सॉरी, क्लियर? देखिए, से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हुआ किसमें फाइब्रिन फाइब्रिन से क्या बन गया यहां पर क्लॉट इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में हुआ है ये इन दी प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ठीक है अब आगे बढ़ते हैं टर्न थ्राम्बिन्स कैसे बने हैं प्रोथ्रॉम्बिन्स के एक्टिवेशन से ठीक है तो यहां पर एक और फैक्टर प्रेजेंट होगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ है एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दी अबव रिएक्शन तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज ठीक है दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंगड एमेटिक रियक्शन के थ्रू बना हुआ मैकेजमिमेटिक रिएक्शन है, है, है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों की जहां पर जो एंजाइम बना हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज वो लिंग्ड एंजाइम मैकेनिज्मकेट मैकेजम के थ्रू बना हुआ है जो -thrombin को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन जब बन जाएगा, तो वो को में कन्वर्ट कर देगा ठीक? और जब भी अगर हमें इंजरी में होती है या कुछ भी ट्रॉमा अगर होता है तो प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय टिश्यूज एट साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशियट द क्वेगुलेशन तो जहां इंजरी हुई है वहां पर कुछ टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं जो क्वेगुलेशन की प्रोसेस को इनिशियट कर सकते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग क्लॉटिंग की इस प्रोसेस में कैल्शियम आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक तो जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है वहां सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर आते हैं प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के साथ साथ में आते हैं सर्टेन टिश्यूज जो क्लॉटिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पर एक एंजाइम बनता है एंजाइम लिंग प्रोसेस के थ्रू कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बोकाइनेस से प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में फाइब्रिन क्या है फाइब्रिन आर इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है ये इनसॉल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इन इनसॉल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिसकी वजह से ड्राई होने के बाद में वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है एक रेडिश ब्राउन कलर के स्कम्ब का फॉर्मेशन होता है क्लियर बच्चों चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर दैट इज कॉल्ड एज़ दी लिम्फ ठीक लिम्फ कॉल्ड एज़ टिश्यू फ्लूइड आल्सो कॉल्ड एज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है की पॉइंट क्या है इसके देखिए कि जब ब्लड कैपिलरीज में से पास होता है टिश्यूज तक जाने के लिए तब कुछ वाटर अलोंग विद स्मॉल वॉटर सोल्यूबल सबस्टिस मूव आउट इंटू दी स्पेस बिटवीन दिशू लिविंग दार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द्लड वेसलूड रिलीज डाउट इज कॉल्ड एस दी इंटरशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लुइड फॉर्मूला बन गया इतने में तो हमारे लिम्फ का तो लिम्फ इज इक्वल टू क्या होगा लिम्फ इज इक्वल्स टू होगा ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन ब्लड में से लार्ज प्रोटीन को हटा दिया ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया ठीक है तो ये क्या बन गया हमारा लिम्प बन गया क्लियर है हमने यही तो बोला है कि लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ जो है वो हट गए तो जो फ्लूड रिलीज आउट हुआ उस फ्लूड को अपन ने क्या बोल दिया इंटस्टिशियल फ्लूड या फिर उस फ्लूड को अपन ने कह दिया टिश्यू फ्लूड ठीक बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा मिनरल्स थोड़ी अलग हुए ठीक है प्लाज्मा का और लिम्फ का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा क्लियर है और बच्चों ब्लड का और लिम्फ का जो फंक्शन होगा वो भी सेम होगा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑलवेज ऑकर्स थ्रू दिस फ्लूड ब्लड का काम है सेल के लेवल तक लेकर आना अब सेल्स तक कैसे पहुंचेगा न्यूट्रिय कोई एक मीडियम तो होना चाहिए कौन सा मीडियम होगा उसमें उस मीडियम को कहा जाता है लिम्फ ठीक है तो कौन सा मीडियम होता है ब्लड से जब भी कोई चीज सेल्स तक आती है तो वहां पर लिम्फ जो है वो एज अ फ्लूइड एक्ट करता है कि ब्लड में से कोई चीज आ गई इंट्रू दिम्फ और लिम्फ के बाद में वो चली जाएगी इंट्रू सेल्स चलिए तो हमने यहां पर देखा कि न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज दिम्फ क्लियर नाउ एन इलेबोरेट नेटवर्क

तो बच्चों ये हो गए हमारे लिम्स के फंक्शन लिम्फ का फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को हार्मो को ट्रांसपोर्ट करना और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना क्लियर तो बच्चों बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशंस में हमने ब्लड और लिम्फ वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद सर्कुलेटरी पार्थेस टिल देन अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन सॉल्व करिए ऑल द बेस्ट